इतना क्रेज, इतना ओवर द टॉप टीवी पर बिग बॉस OTT के मजे लो। तो जी फाइनली बिग बॉस वाले आ गए हैं अपना एक और सीजन लेकर, जो कि है इस बार बिग बॉस OTT, जिसमें OTT का मतलब है ओवर द टॉप, बट मेरे लिए उस OTT का मतलब है और तगड़ा टट्टी सीजन, जिस सीजन के होस्ट ही करण जौहर जैसे महान पुरुष हो। That's my position, Ranveer. उस सीजन से और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? पर मेरा एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। क्यों क्यों आखिर क्यों आ जाते हो हर साल कुछ पिटे हुए सेलिब्रिटीज और एकाध रियलिटी शो करे हुए फुटेज खाने वाले हिपोक्राइट्स को लेकर बिग बॉस नामक चिड़ियाघर में? मजा नहीं आ रहा है। मजा आया कुछ भी? नकली घड़ियाली आंसू बहाना, एक दूसरे के सर पर बोतलें फोड़ना, रियलिटी के नाम पे फेक और स्क्रिप्टेड लड़ाइयां लड़ना, एक अंडे के पीछे 4 हफ्तों तक लड़ना, सस्ते और टेम्परेरी कपल्स बन जाना, घर वालों के ऊपर अपना मुंह छिड़कना, एक दूसरे को माँ बहन की गालियां बकना, मेरी माँ बहन के ऊपर गालियां देना आज ठीक है? अपने चिड़ियाघर में कुछ हो ना हो पर रियलिटी के नाम पे झूठ और प्रोपागेंडा भर भर के परोसा जाता है। सॉरी टू ऑल माय फैंस। भले ही घर में आए सदस्यों को ऑमलेट परोसा जाए या नहीं, क्या करेगा? मैं हाथ मत लगाऊं। क्या करेगा? मैं अंडा बनाऊंगा। बना के दिखा। चल। जानते हो क्यों? नहीं। क्योंकि जितना झूठ, जितना प्रोपेगेंडा, जितनी स्क्रिप्ट, उतनी ही रीच, उतना ही एंटरटेनमेंट, उतनी ही एक्साइटमेंट, उतनी ही TRP और उतना ही पैसा। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि क्या चूतिया शो बना है बे, ना 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 ना, चूतिया कोई शो नहीं होता, उसको TRP देने वाले लोग होते हैं। Exactly. गलती शो वालों की नहीं है तो शो पे उंगली उठा के कोई फायदा नहीं है। अबे साले, तो आप भी अपनी उंगली मत उठाओ पर अपना अंगूठा उठाओ और इस वीडियो को लाइक कर दो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। तो जी लास्ट ईयर पता चला था कि अपने सलमान भाई इस शो को होस्ट करने के एक एपिसोड के 4 से 5 करोड़ लेते हैं, तो सोचो अगर 4 से 5 करोड़ सलमान भाई को दे सकते हैं तो लोग खुद कितना छाप रहे होंगे और एक किस वजह से छाप रहे होंगे, यू बेटर नो। तो मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? ओ जी, इस बार बिग बॉस लेकर आया अपना सीजन 15, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं, जो कि है बिग बॉस OTT, को होस्ट कर रहे हैं अपने नेपोटिज्म के देवता देवी छोड़ो, जिसको होस्ट कर रहे हैं अपने करण जौहर साहब जी, जिनका बस चलता था वो इसमें भी स्टार गेट्स को घुसा देते, पर उनका बस नहीं चल सकता ना हर जगह थोड़ी बस चलेगा उनका अपनी मूवीज के अलावा। मैं करना चाहता हूं चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द आई वांट। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो जी इस सीजन में भी हमें दर्शन होते हैं कुछ अनजान पिटे हुए सेलिब्रिटीज और MTV के एक शो हारे हुए धुरंधरों की। सेलिब्रिटीज इसलिए क्योंकि इस शो में जो आते साले देखे ही नहीं होते कहीं, तभी सेलिब्रिटीज से ऊपर का दर्जा दिया है इन्हें। क्या? हाँ ठीक है, अभी इसका भी मुद्दा बनाना। बनाऊंगा, मेरी माँ बहन की ऊपर गाली मत देना आज की बात, ठीक है? स्लो क्लैप्स इसलिए क्योंकि ये दोनों ही MTV के एक पिटे हुए शो एस ऑफ स्पेस में भी आए थे, जहां पे दोनों भाई बहन थे, भाई बहन। लड़की है अपनी दिव्या अग्रवाल, जो स्प्लिटविला नाम के एक शो में भी रिश्ते बना चुकी है, और लड़का है अपना प्रतीक, जिसने भी एक पिटा हुआ शो लव स्कूल किया था, और फिर दोनों ही एस ऑफ स्पेस में भाई बहन बने, और फिर भैया मोरी राखी के बंधन को निभाना हुआ, और फिर ये देखो मेरी माँ बहन के ऊपर गाली मत देना ठीक है? क्यों नीचे करूँगी? प्यार से बात करना चाहती हूँ। नहीं करना चाहता प्यार से बात, तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए मुझे, मैंने बहुत प्यार दे दिया, प्यार फेक है सारा प्यार। इनके शो के रिश्ते केवल शो तक ही सीमित रह जाते हैं, और जो लोग इन्हें सत्यवान के नीचे कमेंट्स करते हैं ना, ओह माय गॉड दे आर मेड फॉर ईच अदर, ओह माय गॉड दे आर सो क्यूट टुगेदर, अब इस सालों मोतियाबिंदु की परत जम गई है कि तुम्हारी आंखों के आगे, हटा लो इसे, हटा लो, तुम्हें शो भी देखना है और शो का रोस्ट भी, भाई बहन थे ये शो में भाई बहन, अब बहन की गाली बकरी है प्यारे भैये को, देख रहे हो? मेरी माँ बहन के ऊपर गाली मत देना ठीक है? बाकी इस साल अपने सलमान भाई की जगह अपने नेपोटिज्म की दुकान ने ले ली है, तो क्रिंज तो डबल रेट से पैदा होगा ही ना, जिस कारण इस साल अपने OTT सीजन के कंटेस्टेंट सिंगल नहीं, कनेक्शन के साथ पेयर में खेलेंगे पेयर में। अबे स्प्लिटविला को ले आए हो तो स्प्लिटविला थोड़ी बना लोगे इसे, जिसमें से एक पेयर है अपना राकेश और राज कुंद्रा जी,
कि साली शमिता शेट्टी का जो कि कुछ खुफिया गुफ्तगू करते हुए पाए गए और हमारी नजर से बच जाते, ऐसा हो सकता था क्या? नहीं, सुनिए आप भी। माय डिसीजन अफेक्ट्स यू आल्सो। नो, इट डजंट अफेक्ट मी यार, प्लीज। जिसमें मैडम जी राकेश से ये कहती हुई पकड़ी गई कि मेरे अगले डिसीजन से तुमको काफी फर्क पड़ेगा, देन राकेश सेज नहीं नहीं मैं हूँ, चिल, मैं हूँ यहाँ पे काफी टाइम तक हूँ। देन मैडम बोलती कि वो तो मैं भी हूँ, वो तो मैं भी काफी टाइम तक हूँ यहाँ पे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये शो स्क्रिप्टेड और ऑडियंस का चूतिया बनाया जाता है, चूतिया बनाया तुमको, पर असली दिक्कत ये है कि ऐसे शोज को रियल बोलकर सालों साल डिफेंड किया जाता है। ब्लैंक है, मे बी बिकॉज दिस इज अ रियलिटी शो और यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, देयर इज नो स्क्रिप्ट। ओह गॉड, OMG, that shocks the daylights out of me. How come, Divya? और TRP बटोरी जाती है। Don't you fucking touch me again. इनकी स्क्रिप्टेड लड़ाइयां तो माशाल्लाह ऐसी होती हैं कि साला कोई चुप होने का नाम ही नहीं लेता, बकर 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 करते रहते हैं दोनों। और इस साल के कंटेस्टेंट्स तो इतने OTT हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन, इतने OTT और एक्सपीरियंस ऑफ फ्लॉप कंटेस्टेंट्स हैं जो कि इतने ढीठे की लड़ लड़ के मर जाएंगे साले, पर समझेंगे नहीं किसी की बात। मेरे को करण जौहर आके समझा नहीं सकता, या सलमान खान आके समझा नहीं सकता, या कोई भी आके समझा नहीं सकता। सस्ते जोकर और कार्टूनों के बिना बिग बॉस जैसा बिग शो चल सकता है, ऐसा सोच भी कैसे सकते हो आप? फिर मंडराया वही शरारती साया। क्या हो गया? बिना नमूनों के तो ये शो ऐसा है जैसे बिना नोबिता के डोरेमोन। जूली अगर इस सीजन में होती, जूली का बनता झूला। मेरा इंतजार करिएगा करण सर। और वीडियो के एंड में बस यही बोलना चाहूंगा कि कोई शो बेकार, बकवास और टट्टी होने के बावजूद भी अगर TRP बटोर रहा है तो शो बेकार नहीं है, ऑडियंस ही है जो शो भी दबा के देखती है और शो का रोस्ट भी। तो जी, और किसी की तारीफ ना करते हुए वीडियो बस यहीं पर एंड करते हैं। अगर ऐसे ही महान TRP वाले नेक्स्ट लेवल इंडियन TV शोज का रोस्ट देखने का मन हो तो दबा के नीचे जाके कमेंट्स करो। Okay. और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शर्माओ मत। और अगर वीडियो को देख के मजे ले ही रहे हो और आगे भी ऐसे ही मजे लेना चाहते हो तो चैनल के लाल सब्सक्राइब बटन को टच करके फटाक से ग्रे बना दो। और हाँ, इतने टाइम से वीडियोस ना आने का रीजन ये था कि मैंने अपना ब्लॉगिंग चैनल भी स्टार्ट कर दिया है, तो काफी टाइम से वही सब चल रहा था, खूब दबा के मजेदार ब्लॉग्स डाले वहां पे भी, तो फटाफट से जाकर रितेश सारबॉय ब्लॉग्स को भी चेक कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी अब वीडियोस टाइम टू टाइम आती रहेंगी, सो जस्ट चिल बेबी, तब तक डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर मदर। ओके बाय।